पांचवा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत आसान सा छोटा सा चैप्टर है ये। छोटा सा तो नहीं है, अच्छा खासा बड़ा ही है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, हम जानते हैं मैटर जो है वो चार तरह के होते हैं, सही है। मैटर की चार किस्में हैं, सॉलिड, गैसेस, लिक्विड और प्लाज्मा। इस चैप्टर में हम प्लाज्मा के बारे में भी स्टडी करेंगे, सही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि सारे के सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। पहले एटम होते हैं, फिर एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं और फिर वो कंपाउंड बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल की बेस के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उन्हें कंपाउंड कहते हैं, और सिर्फ एटमों की बेस के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। अगर सिर्फ एलिमेंट हैं, सिर्फ एटम्स हैं और वो आपस में मिले हुए हैं तो वो आमतौर पर एलिमेंट्स कहलाते हैं, और अगर मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए हैं तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है उसे कंपाउंड कहते हैं। तो हमको यहाँ इस चैप्टर में सबसे पहले गैस को स्टडी करना है, सही है। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, फर्ज करो ये एक गैस है जो तीन एटम्स वाले मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है, फर्ज कीजिए। इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो इंतहाई कम होती है। गैस के मॉलिक्यूलों में अट्रैक्शन की फोर्स इंतहाई कम होती है, ना होने के बराबर, ठीक है, नंबर एक। और इनके मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फासला होता है वो बहुत ज्यादा होता है, करीब करीब नहीं होते बल्कि बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। नंबर एक, मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्शन इंतहाई कम, तकरीबन ना होने के बराबर। नंबर दो, मॉलिक्यूलों के दरमियान फासला बहुत ज्यादा। नंबर तीन, ये मॉलिक्यूल हर वक्त लीनियर मोशन में हरकत करते रहते हैं। सब लोग लीनियर मोशन में यानी सीधी सीधी हरकत करते हैं, सीधा जाते हैं जेट जहाज की स्पीड से। मिसाल के तौर पर इस कमरे के अंदर मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऐसे नहीं है कि वो ऐसे लटके हुए ठहरे हुए खड़े हुए, ऐसे नहीं है, बल्कि हर वक्त जो मॉलिक्यूल है वो इधर से जाके उस दीवार पे टकरा रहा है, उस दीवार से यहाँ टकरा रहा है, यहाँ से यहाँ टकरा रहा है, मुसलसल जेट जहाज की स्पीड की तरह से मॉलिक्यूल जो है इस पूरी क्लास के अंदर मूव कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। और ये बर्तन की दीवार से भी टकराते हैं, यानी जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं उसकी दीवारों से भी टकराते हैं, और टकराते और आपस में भी टकराते हैं, ठीक है। और इनका जो टकराव होता है ना वो लचकदार होता है, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। दो तरह के टकराव होते हैं, एक ऐसा टकराव जिसके नतीजे में एनर्जी ज़ाया होती है उसे कहते हैं गैर लचकदार टकराव, नॉन इलास्टिक कोलिजन, यानी जब टकराए तो एनर्जी ज़ाया हो गई। ऐसे टकराव को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से टकराया, मॉलिक्यूल दीवार से टकराया, एनर्जी ड्रॉप हो गई, इसको कहते हैं गैर लचकदार टकराव या नॉन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं जब वो टकराते हैं, दीवारों से भी टकराएं या आपस में भी टकराएं, वो एनर्जी ज़ाया नहीं करते, टोटल एनर्जी वही रहती है। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है लेकिन जितनी इसकी कम होती है उतनी उसकी बढ़ जाती है, इसी को आप क्या कहते हैं, लचकदार तसादुम या इलास्टिक कोलिजन। तो आपके पास पेज नंबर 95 पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप देखें। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ज्यादा फासले पर होते हैं, ये बात समझ में आ गई आपको। द मॉलिक्यूल हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, यानी ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनका जो वॉल्यूम है यानी ये जितनी जगह घेरते हैं ये इतनी कम होती है, इतने छोटे होते हैं
के वॉल्यूम तकरीबन जीरो के बराबर होता है, इनका वॉल्यूम नाम होने के बराबर है। नंबर तीन, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये हर वक्त रैंडम मोशन में रहते हैं, लीनियर मोशन में, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। नंबर नेक्स्ट, द गैस मॉलिक्यूल्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं अंटिल दे कोलाइड, यहाँ तक कि वो टकरा जाते हैं विद ईच अदर, या तो आपस में और वाल ऑफ कंटेनर या जिस कंटेनर में रखे होते हैं उसकी दीवार से, तो सीधे ही जाते हैं, यूं नहीं घूमते, ऐसे नहीं घूमते, सीधा जाएंगे, टकराएंगे, टकरा के भी सीधा निकलेंगे। नेक्स्ट, ऑन कोलिजन, जब ये टकराते हैं आपस में, मॉलिक्यूल्स डू नॉट लॉस एनर्जी, उनकी एनर्जी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज देयर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि इनके कोलिजन को आप क्या कहते हैं, लचकदार, या इलास्टिक या लचकदार, यानी एनर्जी ज़ाया नहीं होती। प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ये बात इजाफी है जो आपको समझनी है, कि जब मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार से जाके टकराते हैं, ऐसे टकराते हैं, तो जब वो टकरा रहे होते हैं ना दीवार से, तो टकराते वक्त वो प्रेशर डालते हैं, समझदारी बात आपको, आप जैसे टायर में हवा भरते हो, मोटरसाइकिल के टायर में हवा भरते हैं, और हम यहाँ से दबा के देखते हैं, हम यहाँ से दबा रहे होते हैं और अंदर वाले मॉलिक्यूल अंदर से दबा रहे होते हैं, वो जो दबा रहे होते हैं वही दबाव की वजह से वो टायर फूलना शुरू हो जाता है, और हम जब दबाते नहीं दबता, इसका मतलब है जितना जोर हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा जोर कौन लगा रहा है, मॉलिक्यूल लगा रहा है। तो मॉलिक्यूल जब भी बर्तन की दीवारों से टकराते हैं वो उस पर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। देयर आर नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्जन फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी मैंने आपसे कहा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स ना होने के बराबर होती, होती नहीं है या फिर ना होने के बराबर होती है। ये वो बुनियादी पास्टुलेट्स हैं जो आपको गैस के बारे में याद रखनी चाहिए। कितनी बातें हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, ठीक है। गैस की हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर गौर किया, कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे मूव करते हैं, क्या उनका स्टाइल होता है, अट्रैक्शन की फोर्सेस क्या होती हैं, टकराने का अंदाज क्या होता है, हरकत कैसे करते हैं, प्रेशर कैसे बिल्ड करते हैं, वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, उसमें से पहली प्रॉपर्टी डिफ्यूजन। क्या डिफ्यूजन, उर्दू में इसको कहते हैं नफूज और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिफ्यूजन। गैस में डिफ्यूजन की सलाहियत होती है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल की तरफ सफ़र करता है, ठीक है। ऐसे बोल रहा हूँ मैं, मिसाल दूंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ज़्यादा कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल की तरफ सफ़र करता है, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लासरूम में एक इतर की शीशी खोलूँ, उसका ढक्कन खोलूँ, तो जैसे ही मैं ढक्कन खोलूँगा तो शीशी के अंदर जो इतर है वहाँ इतर के मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन का मतलब मिकदार, और हवा में जो मॉलिक्यूल है वहाँ पर इतर के मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ ज़्यादा है वहाँ नहीं है, तो ये ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल जहाँ नहीं है वहाँ सफ़र करना शुरू कर देंगे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, सही है। और जैसे ही मैं यहाँ से ऐसे ढक्कन खोलूँगा तो थोड़ी देर के बाद वो पीछे वाला जो बच्चा है उसको भी स्मेल आना शुरू हो जाएगा, वो स्मेल कैसे पहुँच गई उसके पास, डिफ्यूजन की वजह से पहुँच गई, यानी गैस डिफ्यूज होती है। डिफ्यूज होने का मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली सफर करती है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। देखिए आपके पास पेज नंबर 95 में लिखा है, द डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन
टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. सही है. गैसेज आर रैपिडली डिफ्यूजेबल एंड डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस. लाइटर गैस डिफ्यूजेस रैपिडली देन हैवियर गैस एज H2 डिफ्यूजेस 4 times मोर देन O2. तो डिफ्यूजन को मजीद समझने के लिए हम किताब ही की मिसाल पर गौर करते हैं. मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि ये आपके पास एक दो कंटेनर हैं जिसके बीच में दीवार है. ठीक है, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल फर्ज करो हाइड्रोजन गैस के हैं, और यहाँ पर भी कुछ मॉलिक्यूल हैं ऐसे, ये मॉलिक्यूल फर्ज करो किसके हैं, किसी और गैस के हैं, ऑक्सीजन गैस के हैं. अब अगर इन दोनों के बीच में हल्का सा सुराख मार दिया जाए ऐसे करके, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाना शुरू हो जाएगी, ये ऑक्सीजन यहाँ आना शुरू हो जाएगी. ये यहाँ क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन नहीं है, वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी. ऑक्सीजन यहाँ क्यों जा रही है, इसलिए कि यहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल भी, तो ये भी ज्यादा कंसंट्रेशन की से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा. ये अमल कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का मिक्सचर होमोजीनियस ना हो जाए, यानी बराबर ना हो जाए, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए. जितनी मिक्सचर यहाँ हो उतना ही मिक्सचर यहाँ हो, जब तक ये डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता रहेगा. ये बात क्लियर हो गई. अच्छा, डिफ्यूजन का जो रेट होता है, रेट से मुराद डिफ्यूज होने की एबिलिटी, कौन सी गैस ज्यादा डिफ्यूज होगी और कौन सी गैस कम डिफ्यूज होगी, जल्दी डिफ्यूज होगी और देर से डिफ्यूज होगी, इसका इन्हिसार मॉलिक्यूलर मास पर होता है. जो गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है वो बहुत तेजी से डिफ्यूज होगी, वो हल्की होगी ना, तेजी से डिफ्यूज होगी, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसको डिफ्यूज होने में टाइम लगेगा. ठीक है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 8 होता है. तो ये डिफ्यूज अगर 1 घंटे में हो रही है तो ये डिफ्यूज 8 घंटे में हो, क्योंकि इसकी जो गुजरने की जो सलाहियत है, भागने की सलाहियत है, वो हाइड्रोजन के मुकाबले में 8 गुना कम है. तो डिफ्यूजन का इन्हिसार गैस के मॉलिक्यूलर मास पर होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मास ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा. मास कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा. ये बात पकड़ पाया आप? पेज नंबर आ गया हमें 96 पर. डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अब ये बात इन्होंने बयान किया आपकी बुक में. द रेट ऑफ दिस मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड द साइज ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल. डिफ्यूजन रिजल्ट्स इन द ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ मटेरियल एंड इवेंचुअली इट फॉर्म्स अ होमोजीनियस मिक्सचर. इस पूरे पैराग्राफ में दो बातें और सामने आ गई, और वो है टेम्परेचर और विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, टेम्परेचर और विस्कोसिटी. टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, गर्मी. अगर गर्मी ज्यादा है तो डिफ्यूजन तेज हो, अगर गर्मी कम है, ठंडक अगर है तो डिफ्यूजन कम है, स्लो है, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो जब ठंडे हो जाते हैं तो वो उनकी स्पीड कम हो जाती है. मास तो वही रहता है लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाती है. हाँ, जैसे आपका टेम्परेचर 0 degree centigrade है तो वहाँ गैस इतने आसानी से नहीं फैलेगी, लेकिन अभी 30 degree centigrade पर गैस बहुत आसानी से
फैल जाएगी। तो डिफ्यूजन का इन्हिसार किस पर होता है? टेम्परेचर के ऊपर। इसी तरह डिफ्यूजन का इन्हिसार विस्कोसिटी पे भी होता है। विस्कोसिटी कहते हैं उर्दू में, उसको कहते हैं गाढ़ापन, मीडियम का गाढ़ापन। सही है, मीडियम का। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर ये हवा है और इसमें मैं एक इतर की शीशी खोल रहा हूँ, तो ये जो हवा है अगर ये खुश्क है, खुश्क का मतलब इसमें वेपर्स नहीं है, तो बहुत तेजी से डिफ्यूजन का मल हो जाएगा। लेकिन अगर इस हवा में, हवा तो है लेकिन उसके साथ साथ पानी के मॉलिक्यूल भी हैं, तब हम बोलेंगे भाई हवा में जो है ना थोड़ा गाढ़ापन आ गया, हवा गाढ़ी हो गई, थोड़ी भारी हो गई, थोड़ी बोझल हो गई। आपने देखा ना जब ओस पड़ती है, ओस तो हवा बोझल होती है, उसमें पानी के मॉलिक्यूल कतरों की शक्ल में भी दिख रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर मैं इतर की शीशी खोलूंगा तो वो डिफ्यूजन इतनी तेजी से नहीं होगा। डिफ्यूजन की तेजी का इन्हिसार टेम्परेचर भी है और उसके मीडियम की विस्कोसिटी पर भी है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होने से डिफ्यूजन कम होता है। जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी को आसान अल्फाज में क्या बोलेंगे? गाढ़ापन। तो हवा का भी कुछ गाढ़ापन होता है, भारीपन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? हवा में स्मोक है, ज़्यादा धुआं फैला हुआ है, वहाँ पर अगर इधर की शीशी खोलेंगे तो इतनी तेज़ी से डिफ्यूज नहीं होगी। तो ये था जनाब आपका डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल में आप दो लाइनें खुद पढ़ लीजिए और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक है इफ्यूजन। तो आप केमिस्ट्री में यहाँ जो गैसेस को स्टडी कर रहे हैं वो नेचर और गैस पढ़ रहे हैं कि नेचर में, फितरत में जो गैस होती है वो कैसा बिहेव करती है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है इफ्यूजन। लिखते हैं जनाब, द इफ्यूजन इज एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। सही है, यानी किसी बर्तन में छोटा सा सुराख आपने कर दिया, उस सुराख से गैस के मॉलिक्यूल जो निकलेंगे बहुत तेजी के साथ, इसको कहते हैं इफ्यूजन। किसी कंटेनर में बंद है, मिसाल के ऊपर आपके टायर के अंदर बंद है गैस, हवा, हल्का सा कांटा लग गया, जब हल्का सा कांटा लगेगा तो क्या होगा? हवा बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, उस छोटे से पंक्चर के सुराख से हवा क्या करना शुरू हो जाएगी? बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, पूरी निकल जाएगी। इस फेनोमिना को हम कहते हैं इफ्यूजन, विदाउट एनी प्रेशर। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर डाला था, उनको बोला था, वो दबा दबा के निकाला था गैस, दबाने की भी जरूरत नहीं, वो उस छोटे से पंचर से खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें ना, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खुला छोड़ दें तो खुश हो जाती है सारी कोल्ड ड्रिंक, ढक्कन तो बहुत बड़ा सुराख है, अगर छोटा सा सुराख ही करते हैं ऊपर हल्का सा, सिर्फ ढक्कन टाइट करके बंद कर दें, सिर्फ ऊपर क्या कर दें, हल्का सा सुई से सुराख कर दें, वो आधे घंटे के बाद फिर भी सारी गैस क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। क्योंकि ये गैस की प्रॉपर्टी है कि वो कंटेनर में जब बंद होती है, अगर उसे कंटेनर में कोई छोटा सा भी पंक्चर मिलेगा, कोई छोटा सा भी सुराख मिलेगा, तो गैस के मॉलिक्यूल उस सुराख से लाइन बनाओ और बाहर निकलो, सही है, निकलना शुरू हो जाएंगे। इस फेनोमिना को क्या बोलते हैं? इफ्यूजन। तो लिखा है द इफ्यूजन इज एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विथ लेसर प्रेशर।
इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ये भी गैस के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। लाइटर गैस इफ्यूज रैपिडली, जो हल्की गैस होगी वो जल्दी निकलेगी देन हैवियर गैस, ठीक है। फॉर प्रोसेस इफ्यूजन द डायमीटर ऑफ द होल मस्ट बी स्मॉलर देन द मॉलिक्यूल्स मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो डिफ्यूजन के लिए जो सुराख होना चाहिए वो मीन फ्री पाथ से कम होना चाहिए। जो दो तस्वीरें बनाई हुई आपके पास बुक में, सही है, इसमें एक तस्वीर के अंदर सुराख बहुत छोटा है और एक तस्वीर में सुराख थोड़ा बड़ा है। जिस तस्वीर में सुराख छोटा है उसमें गैस के मॉलिक्यूल कम निकले हैं, और जिस तस्वीर में सुराख थोड़ा बड़ा है उसमें ज़्यादा निकले हैं। तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है, ये मॉलिक्यूल है गैस के, इनके दरमियान ये जो फासला है इस फासले को आप क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। अगर सुराख इनके इस मीन फ्री पाथ से कम होगा तो गैस जो है वो कम निकलेगी, शायद निकले ही ना। लेकिन अगर ये जो सुराख है कंटेनर का, ये इस मीन फ्री पाथ से बड़ा होगा तो फिर गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से यहाँ से नहीं निकलेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इफ्यूजन के लिए ज़रूरी है कि जो टाइनी होल है उसका मीन, उसका जो साइज होना चाहिए वो अंदर गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फासला है उस फासले के लिहाज से अगर ज़्यादा सुराख होगा तो गैस आसानी से निकल जाएगी, उससे अगर कम सुराख होगा तो गैस नहीं निकलेगी। सीधी सीधी बात है भाई, गैस का मॉलिक्यूल है वो अगर निकल नहीं सकता तो नहीं निकलेगा, और अगर सुराख बड़ा है तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया जनाब आपका इफ्यूजन। इफ्यूजन के बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। क्या है? प्रेशर। ठीक है, तो गैस की तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेशर। प्रेशर का क्या मतलब है, जब गैस किसी कंटेनर में बंद होती है, ये कंटेनर है इसमें गैस के मॉलिक्यूल बंद है, तो गैस के मॉलिक्यूल जब दीवार पे जाके टक्कर मारते हैं तो दरअसल वो फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगती है, पर यूनिट एरिया का मतलब एक इंच समझ लें आप या एक सेंटीमीटर समझ लें आप, इस पर ये मॉलिक्यूल आके जितनी फोर्स लगाते हैं, हर मॉलिक्यूल आके टकराएगा यहाँ पे, तो ये जो फोर्स लगाएंगे सारे मिलके यहाँ पर, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं आप, प्रेशर ऑफ द गैस। जब गैस को कंटेनर में बंद किया जाए तो गैस होती है ना, ऐसे थोड़ी बैठी हुई खामोशी, वो तो तहरीक है उसको एक, वो तो भाग रही है इधर से उधर, तो हर कंटेनर की दीवार पर धड़ाधड़ जाके फोर्स लगा रही है। तो पर यूनिट एरिया पर गैस जितनी फोर्स लगाती है वो उस गैस का प्रेशर कहलाता है, और फार्मूला उसका क्या है, एफ अपॉन ए। फोर्स आप मानते हैं न्यूटन में और एरिया को लिखा जाता है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया लंबाई जरा चौड़ाई होती है, लंबाई का यूनिट मीटर और चौड़ाई का यूनिट भी मीटर, दोनों मीटर मिलके क्या हो गए, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप कहते हैं पास्कल, ये साइंसदान का नाम है पास्कल। लिहाजा गैस के प्रेशर को पास्कल में नापा जाता है, इसमें नापा जाता है पास्कल में।
तो यहाँ आपके पास SI यूनिट भी लिखा हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या कहा जाता है, पास्कल। द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर इन कंटिन्यूअस मोशन, वो हर वक्त हरकत करते रहते हैं। पेज नंबर 97 पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए आप, आपको एक डब्बा दिखाया है, उस डब्बे में गैस के मॉलिक्यूल हैं जो हर वक्त हरकत कर रहे हैं और जाके दीवारों से टकरा रहे हैं। बट द प्रेशर इज डेवलप बाय द कोलिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस विद द वॉल्स, वो आपस में जो टकरा रहे हैं उसको प्रेशर नहीं कह रहे, टकरा किससे रहे हैं, वो दीवार से जब वो टकरा रहे हैं, तो पर यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स लगा रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको ये बात भी समझनी चाहिए, इस पे एक लफ्ज और आ गया, लफ्ज बैरोमीटर। हम जिस जमीन पे रहते हैं वो जमीन पर हम हवा के समंदर के तह में रहते हैं, हवा के समंदर के तह में रहते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे समंदर का पानी है उसकी एक सतह है, सरफेस है, और जब आप उसके नीचे चले जाएं तो ये समंदर है। ठीक है, फर्ज करो यहाँ एक आदमी है, ये समंदर है, ये ऐसे गहरा था समंदर, तो यहाँ एक आदमी है तो हम बोलेंगे वो समंदर की तह में है। लेकिन हम जमीन के ऊपर जिस सरफेस पर रहते हैं उस सरफेस के ऊपर क्या है, हवा है, और हम कहाँ रहते हैं, हवा की तह में रहते हैं, हवा के समंदर की तह में। हमारे ऊपर पूरा एक कुर्रा हवाई है जिसकी मुख्तलिफ लेयर है, करीब में कोई और गैस है, आगे जाके कोई और गैस है, आगे जाके कोई और गैस है, आखिर में ओजोन गैस। तो जब हम हवा की तह में रहते हैं तो हवा हमें दबाती है ऊपर से, हम हवा के वजन को, बोझ को लेके घूमते हैं, हम हवा के वेट को लेके अपने ऊपर घूम रहे होते हैं। तो हवा हम पे प्रेशर डालती है, हम पे वजन लगाती है, हम पे हमें दबा रही होती है, और ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं ना दबाए, हमेशा दबाती है। हवा का ये दबाव बहुत ज़्यादा होता है, आप हैरान होंगे, इतना होता है कि आप ऐसे समझो कि आप 14 टन वजन लेके घूम रहे हैं, 14,000 किलो वजन लेके घूम रहे हैं हवा का अपने ऊपर। आपके मसल्स, आपका बॉडी उसको रिपल भी कर रहा होता है, वो आपको दबा रही होती है, मसल्स हवा को वापस फेंक रहे होते हैं, और हम बचपन से इसके आदी होते हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन इसका पता कर चलता है, अगर यहाँ से कोई आदमी स्पेस में चला जाए फट जाएगा, इसलिए कि वहाँ हवा दबाने वाली है नहीं, मसल्स तो धक्का लगा रहे हैं इसे, जब ऊपर से दबाव नहीं है, मसल तो मुसलसल दबा रहे हैं, तो क्या करेगा, आदमी फट जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम स्पेस में जाते हैं तो ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं, वो ख़ास किस्म के लिबास में हवा भरी हुई होती है और वो हवा आपको अंदर से दबा रही होती है, उसी मिकदार में दबा रही होती है जिस मिकदार में ज़मीन के ऊपर हवा आपको दबा रही है। ठीक है, उस लिबास के पहने बगैर स्पेस में जाना मुमकिन नहीं है। तो ये देखिए आपके पास जो एक एटमॉस्फेयर है वो इकाई ढाई सैकड़ा हजार एक लाख 1,325 पास्कल का दबाव पड़ रहा है, कहाँ पर, एक, इन्होंने मुझे नहीं पता यूनिट पे कौन सा यूनिट लिया है, पास्कल मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर पर, एक मीटर स्क्वायर समझ रहे हैं आप, मैं अगर जमीन पे एक डब्बा बनाऊं एक मीटर लंबा और एक मीटर चौड़ा, एक मीटर लंबा और एक मीटर, तो इस डब्बे को ऐसे दीवारें उठा दूं, गत्ते का डब्बा हो ये, जिसकी लंबाई कितनी हो, एक मीटर, चौड़ाई भी कितनी हो, एक मीटर, और उसको कहाँ उठाता हुआ ले जाऊं, वो आखिरी हवा की जगह तक एक ऐसा डब्बा बना लूं। तो इस डब्बे में हवा होगी, इस डब्बे में हवा आ जाएगी ना, इतनी ये पूरी हवा जो इस जगह पर एक मीटर स्क्वायर पर जमीन की सतह पर जो वजन डालेगी वो 1,01,325 पास्कल,
इतना वजन होता है हवा का, वो वजन हमारे ऊपर भी इतना। तो ये बात क्लियर हो गई, हवा प्रेशर लगाती है कंटेनर के अंदर, प्रेशर तो हमें समझ में आता है, लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो भी एक बड़ा सा बंद कंटेनर है और हम उसके अंदर सतह पे रह रहे हैं, एंड में नीचे तह में, और हवा भी हमें तो चारों तरफ से दबा। हवा के इस दबाव को एटमॉस्फेयर कहते हैं। हवा के इस दबाव को क्या कहते हैं? हाँ बोलो भाई, एक एटमॉस्फेयर दबाव हम पर पड़ रहा है, इस दबाव को नापा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बस आज यहाँ तक रखेंगे, कल इंशाल्लाह अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी।